हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मॉरिजम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 16 फोन के अंदर आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे। दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को सेफ रखना चाहते हो तो आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक यूज करें, काफी अच्छा लॉक है, आप उसको यूज करें और आपका जो व्हाट्सएप है काफी सेफ रहेगा। तो आपको अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाना है और अपने व्हाट्सएप को किस तरह से आपको यूज करना है अपने फिंगरप्रिंट लॉक को, पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए हम आपको अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको वहां से बता देते हैं किस तरह से आपको अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे। तो दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर में अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको व्हाट्सएप में जो आपके नंबर्स हैं सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको ऊपर में मिलता है सर्च के ऑप्शन के साथ में थ्री डॉट का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख रहे हैं आपको सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन आता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट लॉक। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिला है फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, तो आपको उसके आगे एक छोटा सा बटन है जिसको आपको एनेबल करना है। आप उसको एनेबल करेंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे फिंगर मांग रहा है, जो आपका फोन है यहाँ पे फिंगर मांग रहा है। आपको यहाँ पे फिंगर सेंसर पे अपना फिंगर ऐड करना है। दोस्तों जब कभी भी आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे, अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे, तो उससे पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है। दोस्तों जब कभी भी आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे तो आपको उससे पहले अपने स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है, तभी आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक यूज कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जो फिंगर है वो ऐड नहीं होता है, सिर्फ आपके फिंगर के परमिशन से चलता है। जो आपका स्क्रीन लॉक का फिंगरप्रिंट ऑप्शन है वहीं से आपका जो ये फिंगर है ये भी वहीं पे ऐड रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे फिंगर को टच कर लेना, इसको एनेबल करने के बाद आपके फ़ोन में ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने फिंगर को टच करना है। आपको अपने उंगुल को अपने फिंगर सेंसर पे रखना है और यहाँ पे जो फिंगर मांग रहा है आपको यहाँ पे डन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में यहाँ पे ये डन हो चुका और ये जो ऑप्शन है हमारे फ़ोन में एनेबल हो गया है। और नीचे आपको मिलता है कुछ सेटिंग ऑटोमेटिकली लॉक, आप देख रहे हैं आपको यहाँ नीचे मिल रहा है कुछ सेटिंग, तो आपको इसको यहाँ पे सेटिंग करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आ रहा है इमीडिएटली, आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे मिल रहा है इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली यूज करते हैं तो उसमें आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा, मतलब आप जैसे अपने व्हाट्सएप को लॉक करके छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, तुरंत आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉक हो जाएगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप में अगर टाइम लगाना चाहते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप को यूज करें और इसके बाद हमारे व्हाट्सएप में थोड़ा सा टाइम हो या थोड़ी देर बाद लॉक हो, इस तरह आप अपने व्हाट्सएप में यूज करना चाहते हैं, तो आपको 1 मिनट और 30 मिनट यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। आप जैसे इसको सिलेक्ट कर लोगे आपका जो व्हाट्सएप है उतनी देर लॉक नहीं होगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप को यूज करके छोड़ देते हो तो जो यहाँ पे टाइम है उसको आप सेट करोगे तो उतनी देर आपका लॉक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 30 मिनट है तो आपका 30 मिनट जो व्हाट्सएप वो लॉक नहीं होगा, आपको अपने व्हाट्सएप को फिंगर नहीं देना होगा, आपका व्हाट्सएप वैसे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता आप यूज करें, अगर नहीं अच्छा लगता आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। इमीडिएटली यूज करेंगे तो आपको हर बार फिंगर देना होगा, जितनी बार आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे उतनी बार आपको अपने व्हाट्सएप को फिंगर देना पड़ेगा, तभी वो ओपन होगा। तो हम यहाँ पे इमीडिएटली यूज करते हैं और इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से कट करते हैं और व्हाट्सएप को अपने हम फिर से ओपन करते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमारा जो फिंगर है वो ऐड होता है या नहीं होता है। तो हम इसको एक बार लॉक करते हैं, अपने फ़ोन को यहाँ पे लॉक कर दिए हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपने फ़ोन को भी यहाँ पे लॉक कर दिए और इसके बाद आप देख रहे हैं हम अपने व्हाट्सएप को हम फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे हम जैसे व्हाट्सएप को ओपन करते हैं हमारा व्हाट्सएप जो यहाँ पे फिंगर मांग रहा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप है वो फिंगर मांग रहा और जैसे हम यहाँ पे फिंगर ऐड करेंगे ये तुरंत जो हमारे फ़ोन में ओपन हो जाता है, जो हमारा व्हाट्सएप है ये तुरंत ओपन हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में
फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।